गाइज, आई एम भारती एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है भारती और मैं वीडियोस बनाती हूं ऑन ब्यूटी, फैशन, मेकअप एंड DIYs पर। एंड आज का वीडियो मैंने बनाया है अबाउट मेकअप ब्रशेस। मैंने इस वीडियो में मेकअप ब्रशेस का रिव्यू किया है, सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो। इसमें आपको टोटल 12 ब्रशेज मिलते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन में परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी मार्केट से भी ले सकते हैं, आपको वहां पर भी मिल जाएंगे। मैंने ऑनलाइन ही परचेज किए थे अराउंड 250 और 300, आई एम नॉट श्योर बिकॉज इसके प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी ऑनलाइन साइट पे। मैंने ये अमेजोन से परचेज किए थे, आप अदर साइट पे भी आपको मिल जाएंगे। ये ब्रशेज आपको कुछ ऐसी पैकेजिंग में रिसीव होते हैं, प्लास्टिक की क्लियर पैकेजिंग है ताकि ब्रशेज को कुछ स्क्रैचेस ना हो या हार्म ना हो, इसलिए सारे ब्रशेज ही ऐसी पैकेजिंग में आपको मिल जाएंगे। सो मेरे पास यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रश है और ये काफी बड़ा है, तो मैं इसे लूज पाउडर लगाने के लिए यूज करती हूँ। आप इसे लूज पाउडर लगाने के लिए, ब्लशर के लिए और हाइलाइटर के लिए भी यूज कर सकते हैं। मोस्टली मैं इसे लूज पाउडर के लिए यूज करती हूँ। लाइक अगर जैसे कि आपके पास लूज पाउडर है तो आप थोड़ा सा टैप करके इस पे और अपने फेस पर और अपने मेकअप को बेक कर सकते हैं, अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे बहुत इवनली अप्लाई हो जाता है, कहीं पर बहुत ज्यादा कम और ज्यादा नहीं दिखता है। एंड नेक्स्ट ब्रश मुझे ये वाला रिसीव हुआ है। ये भी बड़ा ब्रश है बट ये उसके कंपैरिजन में छोटा है। एंड इसके जो ब्रशेस हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं और मैं इसे ज़्यादातर ब्लशर के लिए यूज़ करती हूँ या हाइलाइटर के लिए। इससे ब्लशर और हाइलाइटर लगाना काफ़ी इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू छोटे ब्रशेस। तो आप इसे ऐसे ब्लशर को बहुत कम क्वांटिटी में अप्लाई करके लगा सकते हैं और बहुत इवनली भी लग जाता है। अगर आप किसी हैंड का या किसी छोटे ब्रश का यूज़ करते हैं तो उसे बहुत केकी लगने लगता है, तो मेक श्योर आपको बड़े ब्रशेज ही यूज़ करने चाहिए जब भी आप ब्लशर अप्लाई करें। और आप चाहें तो इसे हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे प्रेस करने के बाद और हाइलाइटर को ऐसे आप इस पर पिक करके और बहुत ईजीली अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई भी बहुत इवनली होता है, यू कैन सी। एंड नेक्स्ट इसमें एक ये फ्लैट ब्रश आता है जिससे कि आप कंसीलर या फाउंडेशन को अप्लाई कर सकते हैं। आप कंसीलर को पिक करने के बाद इसे ऐसे डैब डैब मोशन में अप्लाई करेंगे तो काफी अच्छे से इवनली सेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट एक ये है मेरे पास ब्लेंडिंग ब्रश है, इसे आप आई शेडो अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। मोस्टली आई शेडो के लिए ही है बिकॉज ये बहुत फ्लफी और इसका लेंथ भी काफ़ी ठीक है, तो आप इसे बहुत इजीली आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक आप जो भी आई शेडो लगाना चाहें तो आप अपनी क्रीज लाइन पर या अपने फुल आईज पर इजीली अप्लाई कर पाएंगे, तो मोस्टली आई शेडो अप्लाई करने के लिए ही आते हैं। आप चाहें तो इससे हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं बट इससे आई शेडो अप्लाई करना ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड नेक्स्ट ये भी मेरे पास एक ब्लेंडिंग ब्रश है बट ये थोड़ा सा फ्लैट है। लाइक वो तो काफ़ी फ्लफी है और राउंड शेप का है, इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी फ्लैट में है, तो इससे भी आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी लोअर लैशेज पे भी ईजिली आई शेडो अप्लाई कर पाएंगे इससे। इसे क्रीज लाइन में भी आई शेडो अप्लाई करना काफ़ी इजी हो जाता है बिकॉज इसकी शेप काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी है ये ब्रश, तो आपके हैंड्स में काफ़ी अच्छे से आ जाते हैं। ना तो इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है, तो काफ़ी अच्छे हैं। और ये ट्रैवल फ्रेंडली भी हैं, आप इन्हें इसके जो बॉक्स आता है उसी के साथ लेकर ट्रैवल कर। एंड नेक्स्ट मेरे पास है एक ये एंगल ब्रश, ये थोड़ा राउंड एंगल ब्रश है, तो आप इसे आप अपने आई शेडो अप्लाई करने के लिए या अपना कोई हाइलाइटर है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लाइक अगर आपको कहीं पर थोड़ा लाइट या डार्क आई शेडो लगाना है तो आप ब्रशेस आपको चेंज करने पड़ते हैं, इसलिए बेटर है कि आप दूसरे ब्रशेस यूज़ करें। तो अपनी क्रीज लाइन पर या फिर अपनी लोअर लाइन पर आई शेडो आप इससे बहुत इजीली अप्लाई कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट है मेरे पास एक ये फ्लैट ब्रश, ये स्ट्रेट ब्रश है जी आई शेडो के लिए या फिर आप इसे अपने जो वाटर लाइन होता है हमारा लोअर वाटर लाइन उसके लिए बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं बिकॉज आप कोई भी आई शेडो इस पर पिक करने के बाद इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहे तो इससे हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी ब्राउ बोन, जैसे कि आपको अगर ये हाइलाइटर अप्लाई करना है तो आप इसमें बहुत कम क्वांटिटी में लेकर ब्राउ बोन को आप हाइलाइट कर सकते हैं।
नेक्स्ट मेरे पास एक ये स्मॉल ब्रश है जिसका थोड़ा सा राउंड शेप है और काफी फ्लैट भी है, तो इसे हम आई शेडो के लिए ही यूज करेंगे बिकॉज छोटे ब्रशेज मोस्टली आई शेडोज के लिए ही यूज होते हैं। तो मैं इसे आपको आई शेडो अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये फ्लैट है तो आप आई लिड पर इजिली अप्लाई कर सकते हैं इसे आई शेडो, लाइक आपने कोई भी आई शेडो पिक किया आपको आई लिड पर अप्लाई करना है तो ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। काफी छोटा ब्रश है तो इसे इजीली आप अपने इनर कॉर्नर्स को फिल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेरे पास है एक ये छोटा सा एंगल ब्रश, ये काफी छोटा है एंड ये एंगल ब्रश है तो आप इसे अपनी आईब्रोज फिल करने के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक आप जैसे कि मैं यहाँ पर एक ब्राउन कलर का आई शेडो लेकर इसे आपको फिल करके दिखाती हूँ। एंड नेक्स्ट है मेरे पास ये लिप फिलर एंड ये काफ़ी पतला सा है ब्रश है, काफ़ी इसकी बहुत पतली टिप है तो इसे ऑलवेज लिप फिल करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। लाइक जैसे अगर आपके पास कोई लिपस्टिक है तो आप उसे इस ब्रश पे पिक करने के बाद अपने लिप्स पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे लिपस्टिक काफ़ी इवनली अप्लाई हो जाती है। एंड इसका सबसे अच्छा ट्रिक है अगर आपके पास कोई भी लिप लाइनर नहीं है, अगर आपके पास कोई मैचिंग का लिप लाइनर नहीं है लिपस्टिक से, तो आप क्या कर सकते हैं कि पहले लिपस्टिक को इससे इसकी हेल्प से पिक करने के बाद अपने लिप्स को पहले आउटलाइन कर लें फिर उसके बाद लिपस्टिक को फिल कर लें, तो आपको अलग से लिप लाइनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि लिप फिलर है ये भी बिल्कुल सेम है, इसकी भी टिप काफ़ी स्मॉल है, काफ़ी पतली सी टिप है, तो आप इससे चाहे तो लिप फिल कर सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो इससे अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ये उसके लिए भी अच्छा। नेक्स्ट है मेरे पास एक ये ब्रश, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है और इसे ओपन करने के बाद आपको ब्रश इस तरीके से रिसीव होगा लाइक दिस। एंड इसकी टिप भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, एज यू कैन सी बहुत ज़्यादा पतली है और ये फ्लैट ब्रश, तो इसे मैं ऑलवेज अपने काजल को स्मज करने के लिए यूज़ करती हूँ। इससे काजल जो है वो बहुत अच्छे से स्मज हो जाता है बिकॉज अगर आप किसी बड़े ब्रश से काजल को स्मज करेंगे तो वो फैल जाएगा। एंड ये बिगनर्स के लिए काफ़ी बेस्ट है ताकि आपको बार बार मनी स्पेंड करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक बार में काफ़ी अच्छे ब्रशेज रिसीव हो जाते हैं और इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। So yeah, that's it for today's video guys. If you will like this video, then don't forget to subscribe to my channel and उसके बाद bell icon को भी press कर देना ताकि जब भी मैं कोई new video upload करूँ तो आपके पास notification पहुँच जाए। And till then, take care and bye.